अभिवदन। आज मैं आपको समझाऊंगी और दिखाऊंगी कि फॉरेक्स पे किस तरह से ट्रेड करते हैं। आप ऊपर बाएं कोने में फॉरेक्स ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी जगह पे आप विभिन्न असेट्स को देख पाएंगे जो उपलब्ध है ट्रेड करने के लिए ऑलिमट्रेड के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटफॉर्म के दाएं ओर पर। फॉरेक्स फिक्स टाइम ट्रेडिंग से अलग तरीके से काम करता है। फॉरेक्स पर हमारे लाभ हमारे ट्रेड की दिशा में कितना दूर चला जाता है इस पर निर्भर करता है। यानी यदि हमें अगर विश्वास है कि किसी भी एसेट का मूल्य ऊपर जाएगा तो हम हरे बाय बटन पे दबाएंगे और हम इंतज़ार करेंगे मूल्य के ऊपर जाने का, जितना ऊपर हो सके ट्रेड को बंद करने से पहले। इसी तरह यदि हमें अगर विश्वास होता है कि किसी भी एसेट का मूल्य नीचे जाएगा तो हम लाल सेल बटन दबा के इंतज़ार करेंगे एसेट का मूल्य नीचे जाने का, जितना नीचे हो सके ट्रेड को बंद करने से पहले। फिक्स टाइम ट्रेडिंग के विपरीत, जहां लाभ तय होता है लाभदार के आधार पर, ये बात याद रखें दोबारा कि फॉरेक्स पर लाभ मूल्य के उतर चढ़ाव पर निर्भर करता है। अगला अंतर, जैसे मैंने बताया कि फॉरेक्स के साथ हम जो ट्रेडर्स को तय करते हैं कि ट्रेड को कब बंद करें, ये कुछ सिनेरियोस हैं। हम इसे मैनुअल रूप से कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम चार्ट और मूल्य के उतार चढ़ाव पर नज़र बनाकर और मैनुअली ट्रेड को बंद करने के लिए क्लोज बटन दबाएं। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट करने का भी विकल्प है। टेक प्रॉफिट को सेट किया जा सकता है ताकि जब किसी भी चुने एसेट का मूल्य किसी भी निर्देशित मूल्य स्तर पर पहुंच जाए ट्रेड अपने आप बंद हो जाएगा। ये उपयोगी है ताकि आप एक लाभदायक अवसर से चूक ना जाए। आप देखते होंगे कि मूल्य में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है, इसीलिए यदि मान के चलो कि हमने एक बाय का ट्रेड शुरू किया और उसका मूल्य ऊपर भी जाता है लेकिन हम एक अलग चार्ट देख रहे हैं या शायद कंप्यूटर से दूर चले गए हैं और फिर मूल्य वापस नीचे जाने लगता है और इसीलिए हम ट्रेड को बंद करने और अपने लाभ को इकट्ठा करने का मौका गंवा देते हैं। अगला विकल्प है स्टॉप लॉस का। अभी मेरे ख्याल में ये सही समय है आपको याद दिलाने का कि ऑलिम ट्रेड के साथ आप ट्रेड राशि से अधिक नहीं खो सकते, चाहे आपने ट्रेडिंग खाते में जितना भी डिपॉजिट किया हो। और इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस स्वचालित रूप से सेट हो जाता है डिफ़ॉल्ट रूप से ट्रेड अमाउंट के बराबर। यदि मैं $100 के ट्रेड ओपन करूं, मेरा स्टॉप लॉस $100 पे सेट हो जाएगा। पर हम ये भी कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस को एडजस्ट करके नुकसान को कम करें। अभी हम मल्टीप्लायर के बारे में बात करते हैं। मल्टीप्लायर एक वित्तीय अनुपात या रेशियो है जो हमें अपना ट्रेड की राशि 50, 100, 200 या 500 के करक से बढ़ाने की अनुमति देता है। ये इस तरह काम करता है कि जितना छोटा मल्टीप्लायर होगा उतना कम रिस्क और कम संभावित लाभ। मल्टीप्लायर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा संभावित लाभ। मैं आपको डेमो अकाउंट में अंतर दिखाने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये आंखों देखी समझाने का तरीका सबसे आसान है जो मैं समझाना चाहती हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि फॉरेक्स पे ट्रेड करने पर कमीशन चार्ज किया जाता है। ट्रेड को ओपन करने से पहले आप यहाँ पर हमेशा कमीशन देख सकते हैं। ट्रेड की राशि और मल्टीप्लाई का असर कमीशन पे पड़ता है। और फिक्स टाइम ट्रेडिंग की तरह आप फॉरेक्स पर भी ऑर्डर सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रेड भविष्य में किसी निर्धारित समय पर शुरू होगा। आप या तो ट्रेड को किसी निर्धारित समय अथवा किसी विशिष्ट मूल्य पर अपने पर शुरू करने के लिए सेट कर सकते हैं। सबसे सुविधाजनक और आरामदायक उपयोग के लिए प्लेटफॉर्म को सेट करने के लिए सारे बटन और सेटिंग विकल्पों को जांच करें।